हेलो फ्रेंड, देखो मैं शर्मा आपका स्वागत है। दोस्तों विक्रम मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। लास्ट का जो सीन दिया था दोस्तों भयानक था, नॉट एक्सपेक्टेड था। जो टी एजेंट टीना वाला सीन था अल्टीमेट था दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट लाइक जो सस्पेंस थ्रिलर ओपन होने का था, एक रिवील होने का सीन था, वन ऑफ द बेस्ट था ये ईयर का। बहुत मजा आया था वो देखने के लिए। एंड क्योंकि नॉर्मली वो एज के हिसाब से मिडिल एज वुमेन या लेट जो भी एजेंट वुमेन का फाइटिंग वैसा ब्रूटल करने का लग भी रहे स्क्वाड मेंबर जैसा, फैंटास्टिक जबरदस्त थिंकिंग ऑफ लोकेश कनगराज। एंड बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल एक्ट कास्टिंग है वो एक्टर का, बिकॉज वी नेवर न्यू हर बिफोर, हम कभी नहीं सुने उनके बारे में, कभी देखे भी नहीं उनका कुछ मूवी, तो एक अलग सरप्राइज था, बहुत ही अच्छा लगा था जानने के लिए दोस्तों। एंड उसमें वो सीन में एक और सैड पार्ट भी था, आई थिंक उसको लास्ट में लग जाता है, स्लिट थ्रोट हो जाता है, शायद वो मरने वाले हैं। एंड उधर में उनका वो वाइफ का, फहद फासिल का वाइफ को उसको पूरा काट ही देते हैं, वो खतरनाक था। आई थिंक ही विल बी अ चेंज्ड मैन नाउ। लेट्स सी दोस्तों इस पे हमको क्या देखने को मिल सकता है। आई थिंक हियर आल्सो कमल हासन जी वाज लाइक ऑन द वे टू द हाउस, वहां पे कुछ होने वाला है, बिकॉज अभी भी लाइक वो गैंग है वहां पे, दे आर देयर। एंड आई थिंक और भी कुछ कुछ हमको देखने मिलेगा, ग्रैंडसन को ढूंढ रहे हैं, एंड भी और भी कुछ कुछ हमको देखने मिलेगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स, तो मुझे लगता है फाफा भी चेंज होंगे, वो भी रिवेंज उनको लेना है उनकी वाइफ का डेथ का। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, जबरदस्त सीन एक विक्रम मूवी से फिर से देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों पहुंचेंगे अभी तो बोलो भाई लैपटॉप यूज है ஸ்ட்ராங்கான ஆளுங்க தானே, இன்னொரு தடவை நீ என்ன கூப்பிட்ட உன்னதான் முதல்ல கூட்டுவான்,
और भी हमारे बापरे बारह गोली दोनों में छह बारह विक्रम चिल्ला विक्रम लास्ट आ गया सर नहीं और भी इस बीच में इंस्टेड बीजियों का गजब है यार खुश कर दिया हमने वो पीछे को है ना पीछे आ रहा है वो रफर जो राइफल वाला आवाज सुन लिया गंजे हो गया ऑलमोस्ट हो गया निकल गया आगे और भी है अभी तो गिड्ढ है जो हाइट कम वाला बंद है भाई इधर वो ऑफिसर हेड इसी से बदला मार साले को यही तो बोला ना उसको इसमें बीजे बना
उसका वो बोस्ट वाला था उसको मारा तो उसका नाइफ का वो निकल गया, हैंडल निकल गया, वो वहीं बैठ गया। ठीक होता ठीक है मार सकते गन ये लोग है मास्क में ये लोग अच्छा ये लोग भी ऐसे आ ही रहे तो उसके पास मारना होगा उससे पहले यही मार रहा अब इनके साथ वो भी मिल गया क्या मास्क मैन हो गया तो लेकिन पीछे कर रहा है यार वो जो ड्रम जहाँ पे तो उसका ट्रैकर ऑन करना है इसको बोला पता नहीं हमको कौन है सेम रूट दिखा रहा थे अच्छा ये लोग भी और रूट दिखा रहे एक ही जगह जा रहे हैं मुझे लगा कमला सेन जी का जो कैटर वो जो ऑन करने बोला वही कुछ पैनिक होगा वरना यही टाइम इसमें ऑन करने बोलेंगे
सीन था लेकिन और भी है सीन्स काफी प्री क्लाइमेक्स शायद बहुत बड़ा है क्लाइमेक्स अभी शायद देखने के लिए बहुत ही बड़ा होगा सब फाइटिंग अभी तो शायद दोस्तों ये भी जबरदस्त था लाइक स्टार्ट टू एंड जो हम कपल ऑफ 12-13-14 मिनट का जो देखे हैं सीन पूरा एक जगह भी सीन स्लो नहीं है या इरेलीवेंट नहीं है बाप रे इतना स्पीड कुछ ना कुछ हो रहा है एवरी प्लेसेस इन ईच एंड एवरी प्लेसेस कहीं ना कहीं हो रहा है कुछ ना कुछ तो हो रहा है खतरनाक था दोस्तों और कमल हसन जी का जो फाइटिंग था वो बहुत ही इंटेलिजेंट वे में लाइक कोरियोग्राफ था फाइट देख ऐसा उनको मारा गया सब जगह जहां से लोग कुछ वॉइस ना निकाल पाया एवरीथिंग रिलेटेड टू माउथ थ्रोट था वैसा उनको जो मारने का स्टाइल था बहुत ही अच्छा दिखाया दोस्तों फिर इवन जो मिल्क जो वापस लेने का वो सीन भी बड़ी मस्त था प्लस यहाँ पे जो फिर से जो दो एजेंट का खुला हमको रिवील हुआ फिर से ये लोग चारों का पता चला चार में नाउ आई गेस टू आर डेड एजेंट टीना अच्छा वो है एजेंट टीना एंड उपली एजेंट उपली पर वो मर गए हैं वो दिख रहा है अभी उनका भी अच्छा दिखा वो ही पी रहे लास्ट में वो था एंड फाइनली फाफा वाज एबल टू टेक रिवेंज फॉर हिज वाइफ वो अच्छा तो मारा वो पुलिस ऑफिसर ही बहुत ही सबसे करप्ट वही था यार लाइक बहुत ही कनिंग डिसीजन भी वही सब ले रहा था ना वरना उसी के लिए उसका वाइफ वगैरह मर गया नहीं तो नहीं होता था ना स्टार्टेड बीइंग द मास्टरमाइंड वही स्टार्ट किया ना पहला बनने का चोर तो वेरी इंटरेस्टिंग सीन मजा आ गया सबका एक्टिंग कमल हसन जी का फाफा का एंड इसमें ज्यादा नहीं था सेतुपति का सरप्राइज पैकेज में जो दो एजेंट थे उनके बारे में पता चला तो वो अच्छा था वो लास्ट का फाइटिंग बड़ी मस्त था उसमें जो एक एक साइड में गन राइफल ओडो स्टाइल का लग रहा है तो दोस्तों देखते इसके बाद का क्या सीन है मेरे हिसाब से क्रेजी फाइट्स होने वाला है मेरे हिसाब से आगे भी क्योंकि ना वो सदानंद का जो गैंग है विजय सेतुपति वहीं पे आ रहे हैं तो वो तो मैसिव पूरा माफिया गैंग लेके आ रहे हैं पता नहीं कैसे लोग बचेंगे वहां पे तो ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय।